नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने अपने नंबर्स पेश करे और नंबर्स के बाद बड़ी पिटाई पड़ी है। लगभग 16-17% स्टॉक टूट गया, क्लोजिंग बेसिस पे लगभग 15.69% की गिरावट के साथ इस स्टॉक में क्लोजिंग आते हुए देखिए आप सभी ने। देखिए रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन काफी सारे स्टॉक्स में चल रहा है, बर्जर पेंट के भी नंबर आ चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी ने बोनस भी अनाउंस करा है। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन आज किसी और वीडियो में दिन के दौरान, बट आज आपके साथ पूरी डिटेल जरूर शेयर करूंगा। अभी आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में लोगों के काफी सारे कमेंट्स थे जब ये स्टॉक 500 रुपए के भाव पे था और मैंने आपसे एक ही चीज कही थी, बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न है, जब तक चार्ट पैटर्न में ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक कैरी करना है, हर लेवल पे ट्रेल करो अपने एसएल को। और इस स्टॉक ने एक साथ निवेशकों से बड़ा पैसा छीन लिया है। देखिए ड्रीम फॉक्स की अगर आप स्टॉक का भाव देखेंगे आज 121 रुपए टूटा है, 6 महीने पहले स्टॉक का भाव 386 रुपीज का था, वहां से स्टॉक ने आपको 110% के रिटर्न दिए और ऊपर में 847 रुपीज का हाई लगाया। और आज का भी हाई देखो ना इंट्राडे तो 798 का है, स्टॉक की क्लोजिंग 654 पे आई है, ऊपर से वन साइडेड गिरावट आई है बट अभी भी टेक्निकल लेवल्स पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, अभी भी टेक्निकल लेवल्स पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। रिजल्ट्स तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गया था, करेक्शन का इसे कोई ना कोई बहाना चाहिए था जो कि मिल गया है। इस शेयर की बात की जाए तो 6 महीने के चार्ट पैटर्न में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रीवियस स्विंग लो या फिर कंसोलिडेशन वाले लेवल को ब्रेक किया हो। स्टॉक में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो 650 से 640 के बीच में हुआ है, 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक। उसके बाद ब्रेकआउट आया था, 680 का हो गया, फिर 700 का हो गया, फिर 800 का हो गया शेयर, लेकिन उससे पहले कोई गिरावट नहीं थी। तो पहला लेवल तो 640 का ही है, 620 का आज का लो लगा है, लेकिन 640 मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस अच्छा बनता है। उसके नीचे सीधे 575 का है, 575 रुपीज तक ये स्टॉक नीचे में गिर सकता है, बड़े लेवल से निकल के आ रहे हैं। क्योंकि आपके पास स्टॉक है तो आपको अपनी बाइंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है, टेक्निकल बेसिस पे तो आपको खुद को पता होना चाहिए वन साइड स्टॉक भागा है तो फिर स्टॉप लॉस दूरी बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं IRFC को देखूं, स्टॉक 30 रुपए से 50 हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस 48 बन ही नहीं सकता ना, वो मूव जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से ऐसे होगा। तो ये आपके लिए क्लियर कट राय है मेरी कि भैया यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी भी डीप है, टेक्निकली खराब नहीं हुआ है बट स्टॉक में क्योंकि बड़ी तेजी आ गई थी उसकी वजह से एक रीजन चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन कुछ भी कह लीजिए, तो ये करेक्शन आते हुए देखिए। अब अगर ये स्टॉक और टूटा तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस डगमगाएगा जिसमें सेलिंग आ सकती है जो स्टॉक को और नीचे लेके जाएगा। ये सारी बातें मैंने कर ली आप सभी के साथ, अब मैं पहले रिजल्ट डिस्कस करता हूं उसके बाद आप सभी के साथ बात करेंगे कि इसको रखना है, खरीदना है या बेचना है, कौन से लेवल्स पे ध्यान देना है। तो कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात कर लेता हूं पहले मैं आप सभी के साथ डायरेक्टली। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 13.4 करोड़ से घटकर 13 करोड़ हुआ है साल दर साल, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, छोटी सी गिरावट है। रेवेन्यू 170 करोड़ के सामने 266 करोड़ है, बढ़ा है साल दर साल। लेकिन स्टॉक में जो पिटाई पड़ी है ना वो बेवजह नहीं पड़ी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर खराब आए हैं, बहुत खराब है। 25 करोड़ का प्रॉफिट 13 करोड़ का रह गया, यानी 50% कह सकते हो आप टूट गया। रेवेन्यू जो 266 करोड़ पे आया है वो ठीक है क्योंकि 238 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था तो वहां कोई इश्यू नहीं दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा अगर आप चेक करेंगे तो 17.6 करोड़ पे आता हुआ दिखाई, 19.2 करोड़ से घटकर साल दर साल। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो 34 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आपके लिए अभी 17 करोड़ का रहेगा, यानी कि ये भी आपका 50% तक गिरता हुआ दिख रहा है। मार्जिन देखेंगे तो 12% से घटकर 6.62% हो गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड 14% से घटकर 6.6% पे आ गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो ये नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत खराब है, 50% का डिप है डायरेक्टली, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि एयर ट्रैफिक में कमी आई है, 3 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है इस समय एयर पैसेंजर ट्रैफिक, जिसकी वजह से आपको 2-3 स्टॉक रडार पे रखने हैं। पहला वो कंपनीज जो कि इस फील्ड को सर्विसेज देंगे लाइक इजी ट्रिप प्लानर्स जैसी, दूसरी वो स्टॉक्स जैसे कि आपके ड्रीम फॉक्स सर्विस जिनका लॉन्च चलते हैं वहां पे, जब लोग ही नहीं जा रहे तो रुकेगा कौन वहां वो, और थर्ड डायरेक्टली इंडिगो स्पाइस जेट, ये जो डायरेक्ट एविएशन कंपनीज है इन पे फोकस रखना है। अब वही होता हुआ दिख रहा है, नंबर काफी खराब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेस पे ठीक है। अब सवाल उठता है क्या करें क्या ना करें, जिनके पास है
छोटा एस एल 640 का है, काट सकते हो काट देना, अदरवाइज अगला लेवल निकल के आएगा 575 का। मुझे लगता है वहां से ज्यादा स्टॉक में गिरावट नहीं होनी चाहिए। 49 के पीई पे स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है और इस जैसे कारोबार को एक तरीके से बाजार मोनोपोली के रूप में दिख रहा है और काफी अच्छा मान रहा है इस कारोबार को, तो मुझे लगता है आने वाले समय में दोबारा आपके लिए परफॉर्मेंस अच्छी आते हुए दिख सकती है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।